जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ इरफान। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक सिंपल ब्लाउज, सादा ब्लाउज कटिंग करना बता रहे हैं, जिसका मेजरमेंट है लंबाई 13.5 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, सीना 36 इंच, कमर है 30 इंच, बाजू की लंबाई है 5.5 इंच, बाजू का विड्थ है 11 इंच, आर्म होल है 14 इंच, फ्रंट का गला है 7 इंच और बैक का गला है 9 इंच। इस मेजरमेंट का इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल ब्लाउज कटिंग करना बता रहा हूँ। वैसे दोस्तों, सिंपल ब्लाउज कटिंग का मैं पूरा सीरीज चला रहा हूँ। अभी 32, 34 का वीडियो बना है और ये 36 का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, यहाँ नीचे से एक स्ट्रेट मार्क लगा लेना है, एक सीधा मार्क आपको ऐसे लगा लेना है। ब्लाउज़ का लंबाई है 13.5 इंच, तो 13.5 में 1 इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे। जितना भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो 13.5 में 1 इंच हमने प्लस किया तो ये 14.5 इंच ये लंबाई का मार्क हो गया। अब इस वाले मार्क को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर का मार्क करेंगे तो शोल्डर है 5.5 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 6 इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल डाउन करेंगे तो आर्म होल डाउन करना है, सीना 36 इंच है, आर्म होल डाउन करेंगे 6.25 इंच। ये जितना है उतना ही यहाँ मार्क लगाकर इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो सीना 36 इंच है, चौथा हिस्सा करेंगे 9 इंच और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ वेस्ट को 4 से डिवाइड करना है तो कमर है 30 इंच, 30 का चौथा हिस्सा 7.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस वाले मार्क से इसको हाफ कर लेना है, एक 20 सेंटर लगा लेना है तो ये 8.5 है, इसका आधा करेंगे 4.25 इंच। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ हमने टक्स का मार्जिन रखा है 1 इंच, तो इस 1 इंच को यहाँ डिवाइड कर लेना है तो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, आधा आधा इंच दोनों तरफ। और अब यहाँ से 4 इंच ऊपर एक मार्क लगाना है और यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है सीधा। अब दोस्तों यहाँ से मार्क लगाना है 1.5 इंच, बैक है ये, बैक में इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। उसके बाद इसको यहाँ से इसमें मिलाते हुए और यहाँ तक इसको गोलाई करना है। आप इसको हाथ से भी कर सकते हो, मैं इस स्केल से कर लेता हूँ। अब यहाँ नेक ब्रॉडनेस का मार्क लगाएंगे तो नेक विड्थ 2.5 इंच, 2.5 इंच, बैक का नेक डिप का मेजरमेंट है 9 इंच, 9 इंच और यहाँ दोस्तों हमने 2.5 इंच लगाया है तो यहाँ आधा इंच प्लस करके 3 इंच लगाएंगे। तो बैक का मार्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
तो अब दोस्तों हम फ्रंट कटिंग करेंगे, सामना की कटिंग। यहाँ से आधा इंच मार्जिन रखना है, ये जो आधा इंच का मार्जिन है ये काजा बटन में या फिर हुकाई में जाएगा, तो आधा इंच यहाँ से मार्क लगाकर इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। अब इस वाले मार्क में यहाँ ऊपर से ऐसे बराबर रखते हुए और इस वाले मार्क में ऐसे बराबर रख के इसको ऐसे रख देना है और इस वाले मार्क को यहाँ से उठा लेना है और ये वाला जो मार्क है इसको भी लगा लेना है। अब यहाँ से आधा इंच प्लस कर लेना है, हाफ इंच यहाँ प्लस करना है और यहाँ लेंथ में भी हाफ इंच प्लस कर लेना है, आधा इंच लंबाई में प्लस कर लेना है। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को यहाँ नीचे ऐसे लगा लेना है। अब इसको इस नीचे में ऐसे बराबर करके रख लेना है और यहाँ मार्क लगाना है, यहाँ और यहाँ इस वाले मार्क को लगा लेना है। यहाँ से 1.5 इंच अंदर एक मार्क लगाना है और अब दोस्तों यहाँ से 1 इंच पे मार्क लगाना है ऐसे। अब इस वाले मार्क को जो है यहाँ इसमें ऐसे मिला देना है और यहाँ से दोस्तों देखो यहाँ से ऐसे एक सूत अंदर लेते हुए इसको यहाँ इसमें ऐसे मिला देना है। फ्रंट का गला है नेक डीप 7 इंच, तो यहाँ से 7 इंच पे मार्क लगा लेना है। अब यहाँ दोस्तों 2.5 इंच है तो यहाँ भी 2.5 इंच पे मार्क लगाना है। और अब दोस्तों देखो ये जो हमने टक्स का मार्क लगाया हुआ है यहाँ से 4 इंच पे है तो यहाँ से भी 4 इंच पे ऐसे एक मार्क लगा लेना है और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेना है सीधा। और अब दोस्तों ये जो यहाँ सेंटर है यहाँ से 1 इंच ऊपर आपको एक ऐसे मार्क लगा लेना है सीधा बिल्कुल और यहाँ से एक मार्क लगाना है 1.5 इंच पे और यहाँ से एक मार्क लगाना है 1.5 इंच पे। और अब यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ से इसको जो है ऐसे क्रॉस कर देना है और यहाँ से भी इसको ऐसे अब इस वाले मार्क से यहाँ से 2 इंच या फिर 2.25 इंच पे मार्क लगा लेना है, तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क लगा लेते हैं। अब दोस्तों इसमें जो सिलाई का मार्जिन है वो टोटल 1/2 इंच है, तो 2 सूत इधर 2 सूत इधर 1/4 1/4 टोटल 1/2 इंच। तो फ्रंट का मार्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कटिंग कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर कर दीजिएगा।
तो फ्रंट और बैक कटिंग हो चुका है, अब हम बाजू कटिंग करेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क लगा लेना है सीधा। स्लीव की लंबाई है 5.5 इंच, 1 इंच प्लस करके 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। आर्म होल इसका 14 इंच है तो आर्म होल डाउन करेंगे 3 इंच। आर्म होल 14 इंच है, 14 का आधा करेंगे 7 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। बॉटम का विड्थ 11 इंच है, 11 का आधा करेंगे 5.5 और 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ हमने 3 इंच डाउन किया है तो ये 3 इंच यहाँ भी ऐसे लगा लेंगे। अब इसको ऐसे खोल देना है और दोस्तों यहाँ से शेप में 1/2 इंच 1/2 इंच ऐसे कट करके निकाल देना है इस तरह से। यहाँ एक हम एक्स्ट्रा कट लगा देंगे, हमको पता रहेगा कि ये फ्रंट साइड है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक सिंपल ब्लाउज कटिंग करना बताया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा।